हेलो गाइस, यूट्यूबर हैं, क्लिकबेट करते हैं, नहीं करते हैं तो भैया किया कीजिए, नहीं करेंगे तो ग्रो नहीं हो पाएगा चैनल कभी भी। क्यों नहीं करते हैं ये बताइए, डर लगता है कि स्ट्राइक आ जाएगा कोई रिपोर्ट कर देगा तो। शायद आपको पता ही नहीं है कि क्लिकबेट जो है अलाउड भी होता है यूट्यूब पे। दो तरह के क्लिकबेट होते हैं, एक वैसा क्लिकबेट जो कि अलाउड नहीं होता है और दूसरा हर तरह का अलाउड होता है। तो क्या नहीं अलाउड होता है थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे क्या अलाउड होता है और करना क्यों ज़रूरी है। देखिए, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे जो अलाउड नहीं है वो बता रहा हूँ पहले, कि आप एक वीडियो बनाते हैं उसमें आप कह रहे हैं कि हम आईफोन का अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। वीडियो पे थंबनेल पे ये लिखा आपने, टाइटल में ये लिखा है, फोटो लगा दिया है आईफोन का, लेकिन वीडियो खोलने पे कोई पता है कि उसमें नोकिया का अनबॉक्सिंग कर रहे हैं आप, सैमसंग, रियल मी कुछ भी अनबॉक्स कर रहे हैं। ये हुआ रियल में क्लिकबैट जो कि अलाउड नहीं है। एग्जैक्टली थंबनेल पे कुछ और लिखना और चीज़ें अंदर में कुछ और हैं, बिल्कुल वो अलाउड नहीं है। वैसे वीडियोस पे कोई रिपोर्ट करते हैं तब कुछ एक्शन लिया जा सकता है, ऐसे नहीं। बाकी इसके अलावा हर तरह के क्लिकबेट्स अलाउड हैं दोस्तों, अलाउड हैं, हर कोई करता है, मैं भी करता हूँ, बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी करते हैं, बड़ी बड़ी जो आज चैनल्स हैं वो सब करते हैं, न्यूज़ चैनल्स तो खास करके इस तरह का। तो किस तरह का क्लिकबेट अलाउड है? चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बहुत बड़ा दिखाना या थंबनेल में, जैसे कोई छोटी सी बात है, मतलब तिल का ताड़ बना के थंबनेल में प्रेजेंट करना उस वीडियो को, उसे कहते हैं अलाउड है ये चीज़ें। उदाहरण के तौर पर छोटी सी चीज़ बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था, अपडेट आया था यूट्यूब का कि भाई वेरिफिकेशन बैच जो है सबसे छिन जाएगा। बहुत छोटी सी मामूली सी बात है, मैं अगर सीधा सीधा लिखता कि अपडेट है टाइटल में, वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में, थंबनेल पे कि अपडेट है कि छिनने वाला है, कितने लोगों को मिला हुआ है? बहुत कम लोगों को, वो देखते ही नहीं लोग, ठीक है चलो भाई हटाओ। व्यूज 5,000-10,000 आता, हार्डली 15,000। अब मैंने उसमें लिख दिया क्या कि आज रात को आज हजारों लोग यूट्यूबर्स की जिंदगी तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो गए हजारों यूट्यूबर्स आज, क्या हुआ? मतलब छोटी सी बात मैंने बढ़ा के इतना बड़ा दिखाया, डेफिनेटली इट्स ए क्लिकबैट। और ये तरह की चीज़ें जो है अलाउड है। आप देखेंगे फ्यूचर में भी, पहले भी बहुत से क्रिएटर्स, आपको सिंपल से उदाहरण बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए जैसे इवन गुरुजी हो गए या फिर और भी लोग हो गए, गुरुजी ने एक वीडियो बनाया बहुत पहले, हमेशा वो भी करते रहते हैं, और एक वीडियो बनाया कि हमारा जो अर्निंग है वो है ये, और उसमें उन्होंने दिखाया कि उनके गैरेज में एक ऑडी खड़ी है, ऑडी, और बोला कि मंथली अर्निंग मैं इतना कमाता हूँ। लोग क्या सोचेंगे? यही ना कि एक महीने की कमाई इनकी 50 लाख रुपये है उस थंबनेल को देख के, ठीक है। और वीडियो में उन्होंने कहा कि हम तो है जो एक मारुति स्विफ्ट या पता नहीं कौन सा खरीद सकते हैं, 4-5 लाख वाली चीज़ें बताएं। तो देखिए ये सिंपल सी चीज़ है। और आज न्यूज़ चैनल्स देखिए, अच्छे अच्छे न्यूज़ चैनल्स हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के लिख रहे हैं यूट्यूब, मैं फेक चैनल्स की बात नहीं कर रहा, न्यूज़ वाले अच्छे जो हैं वो भी उस चीज़ को टाइटल में थंबनेल में बहुत बड़ा कर, वो चीज़ें जो है अलाउड है और बहुत ज़रूरी है इस कंपटीशन के दौर में। देखिए दोस्तों, यूट्यूब खुद कहता है आपको, जो आप यूट्यूब का नया वाला क्रिएटर स्टूडियो डैशबोर्ड देखेंगे, वहाँ पर एनालिटिक्स जब देखेंगे अपने लेटेस्ट वीडियो का, जो दिखाता है कि ये वीडियो जो है वो, देखिए सबसे पहले क्यों ज़रूरी है समझ लीजिए, ज़रूरी इसलिए है क्लिकबेट करना कंपटीशन की वजह से और उससे आगे निकलने के लिए, ज़्यादा व्यूज़ लाने के लिए, और ज़्यादा व्यूज़ लाने तो क्लिकबेट क्यों ज़रूरी है थोड़ा समझ लीजिए। जो लेटेस्ट आपका क्रिएटर स्टूडियो का डैशबोर्ड है वहाँ पे दिखाता है हमेशा, जो आप लेटेस्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो 5-6 घंटे बाद जाइए देखिए, दिस वीडियो इज़ डूइंग गुड या फिर दिस वीडियो इज़ डूइंग एवरेज। आपको यूजुअली इस टाइम फ्रेम में 5 घंटे हुए अपलोड हुए, 6 घंटे हुए, 10 घंटे हुए, तो बताता है कि आपको इस टाइम फ्रेम में इतने व्यूज़ आते हैं औसत आपके वीडियोज़ पे। YouTube आपको उतने ही इम्प्रेशन देता है जितना आपको एवरेज वीक में या 10 दिन में जो वीक आते हैं उतना ही इम्प्रेशन देता है, मान के चलता है कि आपके व्यूज़ को लॉक करता है, एक्चुअली आपके इम्प्रेशन को लॉक करता है। तो डेफिनेटली ये बहुत ज़रूरी है कि आप हफ्ते में एक बार क्लिकबेट ज़रूर कीजिए, ताकि वो लॉक नहीं कर सके, YouTube ये डिटरमाइन नहीं कर सके आपको कितना व्यूज़ आता है। अब देखिए, जब तक से कहता है YouTube कि लोग इसे पसंद नहीं करेंगे, थंबनेल खराब बना दिया तो उसको कहते हैं कि लोग इसे पसंद नहीं कर रहे हैं, इस वीडियोस को लोग क्लिक नहीं कर रहे हैं, CTR कम आ रहा है, इंप्रेशन CTR जो वो कम आ रहा है, भाई
यूट्यूब खुद कह रहा है कि आप अभी अपडेट बताया कि आपको अगर ऐसा लगता है कि जब 3 घंटे वाला अपडेट किया कि आपको 3 घंटे में इंप्रेशन CTR मालूम चल जाएगा, बोलता है कि आप थंबनेल को चेंज कीजिए, देखिए इंप्रेशन CTR कम पड़ रहा है तो चेंज कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लिक करें उस पर। देखिए सिंपल सी बात है, अगर लोग क्लिक ही नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे, आप कितना भी अच्छा वीडियो बना दीजिए अंदर में कैसे जानेंगे कि क्या है। तो इसलिए थंबनेल बहुत अच्छा बनाइए, अगर आप थंबनेल पे क्लिक होगा तब जाके वीडियो वॉच करेंगे, लोग वॉच करेंगे वीडियो वॉच कर टाइम गेन करेगा तो डेफिनेटली यूट्यूब जो है इंप्रेशंस को बढ़ाएगा। कहता है कि क्योंकि इस वीडियो को क्लिक किए कर रहे हैं बहुत ज़्यादा लोग और उससे वॉच भी कर रहे हैं लंबा, तो इसलिए हम इंप्रेशंस ज़्यादा दे रहे हैं इसको, ताकि हो सकता है हम सजेस्ट कर रहे हैं रिकमेंड कर रहे हैं, और ये रिकमेंडेशन करना बहुत ज़रूरी है एक चैनल को, एक वीडियो को ग्रो करने के लिए। तो आप बिल्कुल इस चीज़ को आजमाइए, हर हफ्ते में क्लिकबेट कीजिए और इसी तरह से क्लिकबेट कीजिए। डेफिनेटली ये क्लिकबेट करना इस तरीके का बहुत ज़्यादा अगर आप करेंगे तो आपके ऑडियंस से आपका विश्वास टूट जाएगा, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिए कि हमेशा नहीं कीजिए, कभी कभी हफ्ते में एक बार कीजिए, ये ज़रूरी है क्योंकि आपके इंप्रेशंस को लॉक ना कर पाए यूट्यूब, ठीक है। नहीं तो आप कितना भी अच्छा वीडियो बनाइएगा ना फिर व्यूज नहीं आएगा, उतना ग्रो नहीं करेगा। अगर आप समय समय पर करते रहेंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन अगर आप रोज़ रोज़ इस क्लिकबेट करेंगे तो आपके ऑडियंस समझेगा नहीं, तो रोज़ रोज़ वही बात कहता है झूठ मूठ का, समझ जाएंगे आपके ऑडियंस कि ये रोज़ रोज़। तो रोज़ रोज़ क्लिकबेट मत कीजिए, हफ्ते में एक बार कीजिए, 10 दिन में एक बार कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर।